भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि संजू सैमसन के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका में बने रहना मुश्किल होगा, खासकर जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की वापसी होगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि टीम में कई विकल्प हैं और यह फैसला करना मुश्किल होगा कि कौन स्थायी सलामी बल्लेबाज होगा। उन्होंने कहा, यह बहुत चुनौती भरा काम होगा, लेकिन इसका हल ढूंढने के लिए काफी लोग मौजूद हैं। संजू सैमसन ने हाल की 2-0 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके लिए आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा अगर वे टीम में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव के अनुसार टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स इस मुद्दे पर विचार करेंगे और सही फैसला लेंगे। भारत की अगली 2-0 सीरीज जनवरी में इंग्लैंड के साथ होगी, जिसमें 5 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर, 3 अक्टूबर से नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में 5-0, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर में 5-0, जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-0 की सीरीज होगी। इन मुकाबलों में संजू सैमसन के लिए अपनी जगह बनाए रखने का मौका होगा।